यहाँ पे चाचा जी तल रहे हैं और वहाँ चाचा बना रहे हैं। और फिर हम साथ साथ ब्लॉग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजू नेगी फैमिली ब्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 6:30 बजे से। और आपको ये पता होगा कि हम आ रहे हैं अपने गांव पडियार गांव। और मौसम की बात करें तो धूप आ चुकी है हल्की सी, और यहाँ पे डुबू चाय पी रहे हैं, सब उठ चुके हैं ट्यू को छोड़ के। और मम्मी जा रखी है ऊपर क्योंकि आज गांव में अरसे बढ़ने हैं, तो मम्मी जा रखी है क्या पीटू कूदने, जो चावल कूदते हैं वहाँ पे। और हमने भी चाय पी ली है, मैंने भी पी ली है, बस अब ऊपर जाते हैं देखकर आते हैं क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। वीडियो बना रहा है, देखो वहाँ दिखा उधर बड़ा था, कूटा कूटेंगे वो। अब क्या कर रहे हैं? वो पहले तो आटा बना रहे हैं हम चावल का। अब बताओ है चाची, अब बताओ क्या कर रहे हो आप? ये आटे बना रहे हैं। बताओ इन डरो को, इन डरो को डरो को डरो रे मां के तो आन चिंता को देखे छाना तो बड़ा की या ना बने जाए दिखा के की न्यू का आर समान ना आर छाने ये छाना का से बने। अच्छा कुछ के आ बणी आ सब और सिखाई तूने बात से ना सब जाना छी ना गडो इन बोले ना फिर बोले यार पीठ पीठ बोले पीठ गडो इन। हां अच्छा भैया बात भी फुटोवेल छी ना एक चाची एक ताई सोई के आधा एक ताई सोनी का आ एक ताई अनी सानी का को ओ ताई जाडी खाओ पुरी भला आप सब कथा में तो दे हां गैस टूट गया भला अब दया और बन मेरे को तो नहीं आता ना ताई लगाने में क्या है छका। अरे प्लेट क्यों खर्च करने भाई हाथ में ही पकड़ाओ प्लेट क्यों खर्च करने लड्डू। और यहाँ पार्टी चल रही है, नहीं क्या नाम है रियांश, रियांश रियांश हमें फोटो भी खींच दो रियांश कम कर दो ये बढ़िया है। कौन खाएगा सुबह सुबह नमकीन? वही तो बोल रही हूँ पता नहीं अब रहने दो, मत डालो सब में, जिसको चाहिए होगा ले लेगा। अरे तो बड़े तो फिर देख रही अब ले डाले दे अटल। गाइस यहाँ पे चावल पीस रहे हैं और जो भी चावल पीस रहे हैं तो उनके लिए तो हे व्हाट्सअप गाइस कैसा आप सभी लोग बिस्किट नमकीन चाय का इंतजाम हो रहा है। भैया क्या सुबह सुबह चुका है और
कोई नहीं खा रहा चाची कब बनेंगे कब बनाओगे अरसे कब बनाओगे आज यही नहीं कितने बजे भाषा बाहर लगा बैठिए अच्छा कुछ बोलना चाहेंगे बोलिए सर आपका नाम क्या है कौन सी क्लास में पढ़ते हो एलकेजी दादी आ गई अच्छा आपके गांव का नाम क्या है गांव का नाम वेरी गुड और आप कहाँ रहते हो गाँव में देहरादून देहरादून हम भी कब कब फोन गंजेलू इसको क्या बोलते हैं गंजेलू ना गंजेलू आ जाओ वहाँ और गाइस अब अरसे बनेंगे पाक बन के अब अरसे बनेंगे आ गई चाची अच्छा यहाँ लगा रहे चाचा अच्छा तिरपाल तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट करके आएंगे पाक जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब बनेंगे अरसे पाक मतलब जो गुड़ और चावल का होता है चलो गाइस आपको दिखाती हूँ अरसे बनने स्टार्ट हो गए खा लिया चाची लिखा ओ हाँ हाँ बना लिया हाँ हमारे घर ही चलो फिर अच्छा अच्छा ये बन रहा है आप फोटो पर आने चाहिए गर्म है अभी नहीं खानी थी घान बन गई मुझे पसंद भी नहीं पसंद नहीं है खाएगा ना ना खा नहीं खाएगा अभी नहीं खाएगा वो गर्म गर्म है ना हाँ गर्म होता ना वो हाँ गर्म होता जी
खाना तो बोल रहा है तार हो रही में पागल है धुआं कहाँ आ रहा है तो गाइस यहाँ पे बन रहे हैं अरसे और अरसे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि कल लड़के वालों ने आना है तो उनके लिए दूध ठंडा होता है वो दिया जाता है यहाँ पे चाचा और सब बना रहे हैं अरसे पे नहीं आए थे उनका आगे बोरे बोरे मामा लात मारते वो एक बार ना आदि भैया वहां खड़े थे ना डुगो मैं जा रही दूसरा आ गया गाइस हमारी सवारी चल रही है फिर से पंदेर यहाँ बच्चा पट्टी खड़ी है मम्मा और इसमें मैंने बलून भर रखा हम पंदेर में फोड़ेंगे स्लो मो में और अभी बुआ भी आ रही है ना जी कहाँ चुप रही है कैमरे से दीदी और गाइस ये है कंडली हमारे यहाँ बोलते हैं इसको कंडली और कहीं कहीं बोलते हैं बिच्छू घास इसकी सब्जी भी बनती है पर वो होती है गरम सब्जी मतलब ऊपर जो ये टूके होते हैं ना इसकी सब्जी बनती है और कहाँ हाँ नीचे बैठो नीचे बैठ जा चल चलो आराम से तो गाइस हम पंदेरे से आ गए थे और अब हो रही है लंच की तैयारी और अब बनाते हैं लंच खाना बनाते हैं और धूप बहुत तेज लगी हुई है आज बच्चे नीचे चले गए खेलने और बाकी आज बन रही कटोरी तो गाइस लंच में बन रहा है खाणू और भात और बनी है आम की चटनी ये सिलबट्टे में पीसी है मम्मी ने खुशबू आ रही है तो गाइस आज सबके घर में फाड़ू बन रहा है सबने डिसाइड किया था कि आज सब फाड़ू बनाएंगे औरों ने भी बनाया है फाणू हमने भी बनाया है फाणू अभी हो गया हमारे लंच का टाइम यहाँ इसने फाणू गिरा दी ये फाणू है ये दाल भात फाणू और ये आम की चटनी है ये दाल भात फाणू है और यहाँ बर्ड बार बार चावल लेने आ रही है और ये डुगू ने फाणू गिरा दिया है ना अभी आम की चटनी भी गिरा गाइस अभी ना बर्ड आ रही है चावल लेने के लिए बनाई थी तो आपको पता है अभी ना दब जा रही है आपको पता है आपकी थाली से चुरा दी थी वो भात नहीं नहीं चलो यहाँ पे बर्ड आ गई चावल खाने तो क्या उसने नहीं आने आ तो रहे
शाम का टाइम हो गया और अब नीचे आए सड़क पे वॉक करने, थोड़ा दुकान जा रहे पैसे देने के। आज तो हवा चल रही है अच्छी अच्छी। दे दिया और अभी आए नहीं, आ रहे हैं सब धीरे धीरे करके वॉक करने। गाइस ये जो खेत है ना जहाँ पे सामने लकड़ी दिख रही है, ये वाला हमारा खेत है। आने वाले टाइम में कभी मौका मिला तो यहाँ ज़रूर बनाएंगे। आपको एक बात बताना था, कल मेरे दगड़े आ रहा है तो कल मैं आपको अपने दगड़े से ज़रूर मिलाऊंगी और फिर हम साथ साथ ब्लॉग करेंगे। आने वाले ब्लॉगों में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, मेले भंडारा, तो आगे आगे ब्लॉग थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाने की। और अब मम्मी और भी चल दी घूमने। ये मम्मी की सैर चल पड़ी। हाय प्रिया। चलना बंद करे, इतना भी क्या शर्माती है ये? गाइस ये देखो बहुत शर्माती है कैमरे में आने में। अच्छा देखा। अरे दिखा दे यार। तो गाइस आज बन रही है भिंडी। और हवा भी चल रही है और आग भी सुलग रही है। सब्जियां बनाऊंगी और रोटी बनेगी ऊपर। तो गाइस हमारा डिनर भी हो चुका है और बस बर्तन भी धुल गए हैं सब आ गए रूम पे। और हम आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। हाँ बस सोने की तैयारी हो रही है। हाँ और आज के ब्लॉग को हम इतना ही करते हैं और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक सदस्य और दिखेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में कोई आने वाला है नया मेंबर। हाँ तो कल से आपको ब्लॉग में वो दिखेंगे। कुछ लोग समझ गए होंगे और कुछ नहीं समझे होंगे, तो जो नहीं समझे होंगे वो आने वाले व्लॉग में देख लेना। वो आपने पहले के व्लॉग्स में देख लेते हैं। पापा ये कट हो जाएगा। कौन कौन? तो चलिए मिलते हैं आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।